असलर्स में आशिक अहमद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डिजिटल बोर्ड आज के इस दौर में इंटरनेट की मदद से बैंकिंग के बहुत सारे काम हम घर बैठे ही कर सकते हैं जैसे फंड ट्रांसफर बिल पेमेंट अकाउंट स्टेटमेंट वगैरह वगैरह लेकिन इसके लिए हमारे पास नेट बैंकिंग की फैसिलिटी का एक्टिव होना जरूरी है आज के इस वीडियो में हम जम्मू एंड कश्मीर बैंक की नेट बैंकिंग के बारे में बात करेंगे और सीखेंगे की इस नेट बैंकिंग को हम घर बैठे एक्टिवेट कैसे कर सकते हैं बिना कोई ब्रांच विजिट किए जम्मू एंड कश्मीर बैंक की नेट बैंकिंग को एक्टिव करने के लिए हमारे पास डेबिट कार्ड का होना लाजमी है तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और इस सारे प्रोसेस को समझने की कोशिश करते हैं लेकिन इससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस इस चैनल चैनल पर नए हो तो इस को सब्सक्राइब जरूर करें। सबसे पहले हम क्रोम ब्राउजर को ओपन करेंगे और गूगल में जेके बैंक ऑनलाइन सर्च करेंगे सबसे ऊपर वाली साइट जेके बैंक ऑनलाइन डॉट कॉम पर क्लिक करेंगे जो ही हम इस पर क्लिक करेंगे हमारे सामने ये पेज ओपन होके आएगा यहाँ पर हम नीचे रिटेल लॉगिन पर क्लिक करेंगे यहाँ पर यूज़र आईडी का कॉलम आ रहा है क्योंकि हमारे पास यूज़र आईडी नहीं है और हमें यूज़र आईडी क्रिएट करनी है इसलिए हम नीचे क्लिक हेयर टू तो क्रिएट वन पर क्लिक करेंगे क्लिक करते ही हम इस पेज पर आएंगे यहाँ पर हमें इन कॉलम्स को फिल करना है जैसे सिक्सटीन डिजिट अकाउंट नंबर और या तो कैलेंडर में से डेट ऑफ बर्थ चूज करनी है या अपना पेन नंबर इंटर करना है सभी कॉलम्स को फिल करने के बाद सबमिट पर क्लिक करेंगे जो ही हम सबमिट पर क्लिक करेंगे मोबाइल नंबर जो बैंक के साथ रजिस्टर्ड होगा उस पर एक ओ आएगा उस ओ को यहाँ पर फिल करने के बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे कंटिन्यू पर क्लिक करते ही हम इस पेज पर आएंगे यहाँ पर हमें अपने डेबिट कार्ड की डिटेल को फिल करना है जैसे डेबिट कार्ड नंबर ये नंबर डिजिट का होता है इसके बाद एक्सपायरी डेट जो डेबिट कार्ड पर लिखा होता है वो लास्ट पे अपना एटीएम पिन फिल करने के बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे कंटिन्यू पर क्लिक करते ही हम इस पेज पर आएंगे यहाँ पर हमें दो पासवर्ड को क्रिएट करना है एक है लॉग पासवर्ड और दूसरा ट्रांजेक्शन पासवर्ड सबसे पहले हम लॉगिन पासवर्ड बनाएंगे लेकिन याद रहे पासवर्ड अल्फा न्यूमरिक और एक स्पेशल कैरेक्टर का होना चाहिए हम पासवर्ड वाले कॉलम में पासवर्ड टाइप करेंगे और फिर रिटाइप में इसी पासवर्ड को रिपीट करेंगे फिर ऐसे ही ट्रांजैक्शन पासवर्ड वाले कॉलम में फिर पासवर्ड फिल करेंगे और रिटाइप में रिपीट करेंगे यहाँ पर भी ये याद रखना है कि दोनों लॉग पासवर्ड और ट्रांजेक्शन पासवर्ड डिफरेंट होने चाहिए और फिर नीचे कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे कंटिन्यू पर क्लिक करते ही हमारे स्क्रीन पर यूज़र आईडी रिफ्लेक्ट होगी इस यूज़र आईडी को लिख कर रखना है और फिर नीचे गो टू लॉगिन पेज क्लिक करेंगे इस लॉगिन वाले बटन पर क्लिक करते ही हम जेके बैंक की नेट बैंकिंग के पेज पर आएंगे। यहाँ पर अब हम यूज़र आई डी करेंगे जो हमने क्रिएट की है और लॉगिन पर क्लिक करेंगे और नीचे लॉग इन पासवर्ड एंटर करेंगे और लॉग इन पर क्लिक करेंगे हम इस रूल्स एंड रेगुलेशन वाले पेज पर आएंगे और नीचे एक्सेप्ट पर क्लिक करेंगे अब इस वाले पेज पर हमें एक फ्रेज को एंटर करना है और एक इमेज को सिलेक्ट करना है फिर नीचे अपडेट पर क्लिक करना है अपडेट पर क्लिक करते ही हम इस वाले पेज पर आएंगे यहाँ पर हमें पहले बनाए हुए पासवर्ड्स को चेंज करना है चेंज साइन इन वाली सेक्शन में पासवर्ड डालेंगे और फिर न्यू पासवर्ड और नए पासवर्ड को रिटाइप करेंगे ऐसे ही ट्रांजैक्शन पासवर्ड वाले सेक्शन में कॉलम्स को फिल करेंगे और ओके पर क्लिक करेंगे और आपका प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा और आप अपने नेट बैंकिंग वाले पेज में लॉगिन हो जाओगे और अपनी नेट बैंकिंग की फैसलिटीज़ को बखूबी आसानी से इस्तेमाल भी कर सकते हो और आखिरकार हम लॉगआउट पर क्लिक करेंगे और लॉग आउट हो जाएंगे आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें डिजिटल बोर्ड यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके फेसबुक पेज को भी फॉलो जरूर करें लेते हैं आपसे इजाजत मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई इंफॉर्मेशन के साथ तब तक के लिए खुदा हाफिज